Hi everyone, welcome back to my channel Beauty and Rashna. I hope you all are doing well. So in today's video I'm gonna reacting to a very alag video and basically ये video है मेरे favorite उसकी किसकी मेरे favorite actor की which is शाहरुख खान की video है ये. So क्यों मेरे दाम एकदम से आया कि मुझे इस video reaction देना चाहिए. Yes, so let's see कि वीडियो कैसे चलती है. टेल यू द फुल टाइटल ऑफ दैट वीडियो सो दैट. तो द वीडियो टाइटल इज थ्री डेकेड्स ऑफ एस आर के ट्रिब्यूट टू द लेजेंड ऑफ इंडियन सिनेमा 2022 एंड एस आर के स्क्वाड की वीडियो है. इस वीडियो का ऑफिशियल लिंक ऑफिशियल वीडियो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन को, जाकर जरूर चेकआउट कर सकते हैं ठीक है. आप करना चाहते हैं यू नो कि एस आर के ने 30 ईयर्स पूरे हुए हैं एस आर के ठीक है. सो आई तो टोटली लव दैट थिंग कि मतलब 30 ईयर्स पूरे हो गए एस आर के भाई, मतलब कितनी अच्छी बात है ना. सो लेट्स सी कि वीडियो कैसे निकलती है. बट वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर आप मुझ पर दिख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइस, लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड कमेंट डाउन बिलो आपको वीडियो कैसी लगी है. एंड ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो मैं किस वीडियो भेजूँ, तो मैं जरूर उन वीडियोज भेज दूँगी. यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड स्नैपचैट. ऑल्सो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ चेकआउट कर लेना. एंड डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा मेरे सेकंड चैनल का लिंक, आप उसको जाकर जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं. सो यस, विदाउट एनी फर्दर क्विकली गेट स्टार्टेड. थ्री डेकेड्स एंड इसमें हेडफोन्स रिकमेंडेड हो गए गाइस. हेडफोन्स बॉलीवुड 70mm की दुनिया में आना और आकर छाना बहुत मुश्किल है. 1980s का जो दौर रहा वो सिनेमा के का डेथ का वो दशक था. थिएटर्स की हालत बहुत खस्ता थी. हम साउथ इंडियन फिल्म्स का रीमेक कर रहे थे तो फिल्मों का एक स्तर बहुत गिरा. उसके बाद एंड ऑफ 80s जो शुरुआती दौर 90s का रहा पोस्ट लिबरलाइजेशन, एक नया हीरो पैदा हुआ शाहरुख खान. कश्मीर से कन्याकुमारी तक इंडियाज फेवरेट स्टार, an unstoppable living legend and one of the finest and fascinating actors India has ever seen. He believes in a prayer that says Nasrul Minallah Bafakahul Kareem, which is a prayer that simply says God keep victory close, and God knows nobody owns victory like he does. Actually itne saalon mein maine jo bhi kiya hai usse mera kuch bhi nahi, kyunki main jo bhi jahan bhi hu jis maqam pe bhi apne fans ki wajah se, agar mere fans nahi तो मैं कुछ भी. I'm from Delhi. मेरा जो पहला घर था DDA कॉलोनी में. आपके वालिद साहब क्या चाहते थे कि आप क्या बने? उन्होंने कभी ऐसा बोला नहीं, लेकिन एक दो बातें बोलते थे, काम करो और ना करो तो वो भी ठीक है, क्योंकि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं. आई रिमेम्बर उन्हें कैंसर था तो वो ठीक हो गए ऐसा कहा गया, मुझे मालूम नहीं पड़ा. माई मदर वोक मी अप एंड शी सेड पापा इज इन द हॉस्पिटल. उनके पैर मैंने देखे और वो बहुत ठंडे थे जब मैंने उसे हाथ लगाया. And he had passed away. मैं 15 साल की उम्र का था जब उनकी फौत हो गई. प्ले चल रहा है एक लेडी श्री राम कॉलेज में. मैं आके नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में बैठता हूँ. बैरी जॉन वहाँ पे टीच कर रहा हूँ. तो फिर ऐसे करते करते टेलीविजन आ गया. वो फौजी सीरियल आया, वो पॉपुलर हो गया. तो मैं फिल्मों में इंटरेस्टेड था ही नहीं बिल्कुल, तो मैंने करना ही नहीं चाहा. उसके बाद एक और सीरियल वो दिल दरिया किया मैंने, उम्मीद वो किया और सर्कस के. वो 4-5 साल तो उसी सदमे में निकल गए कि फादर की डेथ हो गई. माँ थी बिल्कुल हेल्दी थी, बट सडनली एक दिन रात को उनको ऐसा कुछ दर्द हुआ पैर में और गए, उन्होंने कहा डायबिटीज है, और देखते देखते 1.5 महीने में उनकी भी डेथ हो गई. आई कम फ्रॉम अ वेरी नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास फैमिली. आई सॉ अ लॉट ऑफ फेलियर एट एन अर्ली एज. आफ्टर माय पेरेंट्स डाइड आई इक्वेटेड पॉवर्टी विद फेलियर. आई जस्ट डिडंट वांट टू बी पुअर. सो व्हेन आई गॉट अ चांस टू एक्ट इन फिल्म्स इट वाजंट आउट ऑफ एनी क्रिएटिव डिजायर. आई से दिस ऑनेस्टली, इट वाज प्योरली आउट ऑफ द फियर ऑफ फेलियर एंड पॉवर्टी. ये बता तू मुंबई क्यों जा रहा है? किसी की तलाश में. किसकी? कामयाबी की. When I came to Mumbai to work, I had lost everything in my life. No place to live. मुझे किराए का घर लेना पड़ा, मेरे पास पैसे नहीं थे. So I remember Rajiv called me and gave me money for my किराया of my house. और फिर मैं एक डायरेक्टर से वहाँ पे मिला तो उन्होंने मुझे पहली बात बोली थी, उन्होंने कहा यार तुम बड़े इंटरेस्टिंग एक्टर हो, यू आर अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टर. मैं जी तुम इतने अगली हो, मैं तुम्हें किसी भी रोल में डाल सकता हूँ. चल बाबा जा, इस भूल भुलैया में अटक गया ना तो पता भी नहीं चलेगा काले के सफेद कब हो गए. अरे टोपी वाले भाई साहब, मैं यहाँ पर जाने के लिए नहीं आया हूँ, एक दिन अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाऊंगा. हाँ तो मुझे लगा मैं हीरो नहीं बनूंगा, मैं कहता हूँ नेगेटिव रोल करता. मैं तुम्हें आजाद कर रहा, मुझे माफ कर देना. अगर नाम लूंगा तो वो आई लव यू किरण बदनाम हो जाएगी. मैं कभी नहीं हारता शिवानी. बेस्ट एक्टर इन अ नेगेटिव रोल जीतने के बाद
सुपरस्टार्स की दौड़ में सबको पीछे छोड़कर आगे निकलने वाले शाहरुख तो शाहरुख दिल्ली से आया है, उसने टीवी किया है और टीवी करने के बाद इस मुकाम पर पहुंचा है। बहुत सारे इनको शाहरुख खान जो मॉल बनाया है उसमें हम अपनी छोटी दुकान चला रहे हैं। He was standing on Marine Drive and he said, you know, one day I'm going to rule the city. And he said, yeah. अंदाज़ से मेरा सबसे जुदा, मैं बादशाह ना बादशाह, सपने सजाना सपना हंसाना बस यही। Is your competition also younger actors like Ranveer, Imran? I've not come here to compete. I've come here to rule. मैं हमेशा बोलती हूँ कि और किसी के साथ रोमांस नहीं कर सकते जैसे शाहरुख रोमांस करता है. मतलब उनका नाम ही रोमांस है. प्यार दोस्ती है. मुझे सबसे ज्यादा पसंद तुम्हारी ही आंखें. मैं यहाँ तुम्हें अपनी दुल्हन बनाने के लिए आया हूँ और तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा तभी जब तुम्हारे बाबूजी खुद तुम्हारा हाल मेरे हाथ में देंगे. जरूरत पड़ने पर एक बार नहीं, दस बार नहीं, सौ बार नहीं, हजार बार मैं उस आग में कूद जाऊंगा जिसमें शांति. आई ऐसी रात है जो बहुत खुशनसीब है, चाहे जिसे दूर से दुनिया वो मेरे करीब है. मेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना. जारा से कितनी मोहब्बत करते. बाबूजी ने कहा जब ने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब. एक दिन आएगा जब वो कहा बेस्ट फ्रेंड. मुझे स्टेट्स के नाम ना सुनाई देते ना दिखाई देते, सिर्फ एक मुल्क का नाम सुनाई देता इंडिया. मैं तुम्हें जिंदगी भर प्यार करता हूँ, मरते दम तक प्यार करता हूँ. उसके बाद उनके स्वभाव में, उनके काम करने के तरीके में एक बहुत ही सहूलियत है. एक बहुत ही मंझे हुए कलाकार हैं वो. The most hard-working human being, forget an actor or a hero. I think Shahrukh's energy is what is his most appealing quality. My reason of becoming an actor. Yahan pe to Shahrukh Khan is my favorite, my inspiration. Hum jaise insaan jo koi cinema se matlab nahi hai. Mr. Shahrukh Khan. Usne us jagah pe khade hokar dikhaya. I'll work so hard that I make sure that all of you get some smiles when you see my film. ये आज की बात नहीं शाहरुख, 22 साल पहले जब आपकी अदालत में आए थे तो मुझे ध्यान है उस समय आपने कहा था कि व्हाट इज बेटर इज टू से दैट यू आर द बेस्ट, नॉट बॉदर अबाउट अदर्स. मैं कभी कंपैरिजन नहीं करता. आप जैसे हैं वैसे हैं, आप बहुत ही बढ़िया हैं, आप ग्रेटेस्ट हैं, लेकिन मैं उससे थोड़ा सा बेटर हूँ. अभी भी आप मानते हैं कि अगर सबसे बड़ा है तो वो शाहरुख खान है? Yeah, I'm a fan of Shahrukh. He's an excellent actor. Through his film work, he is known now as a global icon. Giant movie star. Perhaps the world's biggest movie star. Mega global superstar. Forbes have called him one of the biggest movie stars in the world. The world's biggest movie star. One of the world's biggest movie star. Some people would say he is the biggest movie star in the world. The most popular movie film star in the world. Hollywood legend. Iconic people such as Shahrukh Khan. Go to the movies and applaud actors like Shahrukh Khan. तो दुनिया मानती है मैं. SRK's worst movie. Shahrukh Khan has been going through a rough patch in his career for the past couple of years, with his films failing to create magic at the box office. पहले जैसे अब शाहरुख खान अब बात नहीं रही. एज के साथ उनको भी रुक जाना चाहिए. हो गया उनका टाइम. एज आ गई है, कंफर्ट हो गया. सबका टाइम होता है.
शाहरुख खान का नाम भी अब खत्म हो चुका है. Whether the actor is taking a backseat, whether he will return, and more importantly, can he ever get back into his original groove like the mid-2000s? घायल शेर की सांसें उसके दहाड़ से भी ज्यादा भयानक होती हैं. The Badshah of Bollywood was spotted at Yash Raj Studios. 3 सालों से शाहरुख खान खामोश रहे. इस खामोशी को काफी लोगों ने उनकी कमजोरी समझ लिया था. If you throw me to the wolves, I'll come back leading the pack. मालूम है कब से कह रहा हूँ, आ रहा हूँ. And there was a lot of negativity. Some of the critics were very personal about my midlife crisis. I will do stuff which I want to, and I will do it all my life. And if you guys have a problem, I just want to tell them, go to hell. जल्दी मिल गए. कभी ये ख्याल आता है कि वन डे आपकी ये शोहरत किसी और के नाम होगी, किसी और का नाम सुर्खियों पे होगा, आपसे ज्यादा कामयाब होगा? ऐसा होगा ना? I'll tell you honestly. हाँ, ऐसा बोल दो. बोलो ना. I'm the last of the stars. You're the last of the stars. आपने मन्नत को हकीकत बनाना सिखाया है. आपने लोगों को सपने पूरा करना सिखाया है. प्यार का मतलब दुनिया को समझाया है. बॉलीवुड कई लोगों की पहचान है. आपने दुनिया में बॉलीवुड की पहचान बनकर दिखाया है. आप रेत पर लिखा नाम नहीं जिसे लहरें मिटा दें. आप वो नाम है जो दिल में छपा है, जिसे कोई मिटा नहीं सकता. इस दुनिया में आप जैसा दूसरा किंग कभी नहीं आ सकता. Guys, that's the video. I totally love the video. I must tell me your reaction अबाउट दिस वीडियो, कि आपको वीडियो कैसी लगी. लाइक ये बहुत से लोगों को पता होगा, आई थिंक अब तक पता चल जाना चाहिए, ठीक है. अगर नहीं पता है तो बहुत बुरी बात है, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है. कि SRK इज़ माई फेवरेट एक्टर, लाइक ही इज़ माई एवरीथिंग. येस, ही इज़ माई एवरीथिंग. लाइक आई जस्ट लव हिम सो मच. एंड अगर कोई मुझसे पूछेगा ना कि हु इंस्पायर्स यू, तो आई विल डेफिनेटली से शाहरुख खान इज़ माई इंस्परेशन. एंड वेरी लाउडली आई विल से दिस कि भाई हाँ, शाहरुख खान इज़ माई इंस्परेशन. बिकॉज यू नो, जो चीज़ SRK ने फेस करी है, वो चीज़ यू नो फेस करना बहुत मुश्किल होता है. लाइक यू नो, पेरेंट्स को खो देना, पेरेंट्स की डेथ हो जाना, उसके बाद भी इतना बड़ा इंसान बनना. लाइक पूरे बॉलीवुड में, पूरे वर्ल्ड में इतना नाम है शाहरुख खान का, सो इससे ज़्यादा और बड़ी बात कोई हो नहीं सकती है, ठीक है. एंड ऑब्वियसली आई डोंट थिंक सो कि मुझे यहाँ पे और कुछ ऐसा ना बताने की नीड है. यू गाइज नो दैट है ना, अगर कोई इनके फैंस भी नहीं, स्टिल दे नो दैट अबाउट SRK. स्पेशली हेटर्स नो अबाउट SRK, ठीक है, कि भाई क्या है SRK और क्या नहीं है SRK, ठीक है. सो आई तो टोटली लव दिस वीडियो गाइज. मत आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू गिव यू गाइज लेक्चर कि भाई SRK ऐसे हैं, SRK वैसे हैं, ठीक है. आई जस्ट गिव यू माई रिएक्शन, बिकॉज वी ऑल नो दैट, ठीक है, कि SRK ने कितना कुछ फेस करा अपनी लाइफ में, एंड स्टिल ही ऑन द टॉप. सो येस, लाइक लास्ट वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि ही इज़ द लास्ट ऑफ द स्टार्स. लाइक दिस वीडियो मेक्स मी इमोशनल, दिस वीडियो मेक्स मी वेरी प्राउड कि मैं SRK की फ़ैन हूँ. सो आई टोटली लव दिस वीडियो गाइज, एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी SRK की. एंड मैंने लाइक लिटरली सोचा कि जिसके मैं फ़ैन हूँ, मैं उस पर रिएक्शन दे रही हूँ, तो ऐसी घटिया बात और कुछ हो ही सकती है. सो दैट्स व्हाई आई गिव माय रिएक्शन ऑन दिस वीडियो. वीडियो इसलिए बनी है, लाइक ये जो ट्रिब्यूट दिया है SRK, 3 decades ऑफ ट्रिब्यूट इसलिए दिया क्योंकि SRK 30 years पूरे हुए थे, ठीक. अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक है. एंड SRK उस खुशी में, लाइक 30 years की खुशी में, एंड जो फिल्म्स आई हैं SRK की, लाइक जो उनके टीजर आए, उनके भी खुशी में SRK लाइव आए थे. अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक है, या तो आई टोटली नो दैट, तो मुझे तो बताइए, ठीक है, सब बातें. तो या दैट्स इट गाइज, आई होप बिकॉज लाइक दिस वीडियो. इफ यू डू देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विज फ्री. उसके आगे जो बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मेरे को न्यू वीडियो आए, सबसे पहले उठिए आपका शो. बिकले इतना है मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक न्यूज स्ट्रीम से बाहर निकल ले बिगेस्ट कोरोना वायरस एंड सब मुझे कमेंट आज गाल नहीं करें, ठीक है, बाय. कमेंट आज गाल नहीं कटनी.